वेलकम टू कुक एंड बेक विद हर्चीज टीवी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ वाइट सॉस बेक पास्ता। बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। आप वेजिटेबल के साथ ये हेल्दी किस्म की फूड बना सकते हैं घर में। इसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 टेबलस्पून बटर। इसको मैंने मेल्ट कर लिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/4 कप मैदा। इसको मैं भून लूँगी। लो फ्लेम पर ही हमने इसको कुक करना है यहाँ तक कि इसमें से एक अच्छा सा अरोमा आना शुरू हो जाएगा। हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे, हाई पे नहीं कुक करेंगे। इसके अंदर मैं डालूँगी 500 ml मिल्क। इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद मैं इसके अंदर स्लो स्लो मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क ऐड करते हुए आपने थोड़ा सा एहतियात ये करनी है कि इसके अंदर लम्स ना बन जाएँ। हम इसको स्लो स्लो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको स्टर करते जाएँगे। अगर इसके अंदर लम्स बन भी जाती हैं तो आप इसको छान सकते हैं और इसकी लम्स को आप रिमूव कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अभी भी लो ही रखेंगे हम, इसको डायरेक्ट हाई फ्लेम पे या मीडियम पे नहीं करेंगे क्योंकि ये फौरन ही थिक हो जाएगा। अभी मैं इसके अंदर स्लो स्लो मिल्क ऐड कर दिया है। अब मैं इसको स्टर कर रही हूँ कंटिन्यूसली। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी स्पाइसेस भी, जिसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ओरिगैनो, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ली है और इसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 1/4 टीस्पून वाइट पेपर का भी, और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर क्रश हुई हुई रेड चिली डाली है। इसको हम स्टर करेंगे और इसको हम कुक कर लेंगे यहाँ तक कि ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और जब ये थिकनेस की तरफ आने लगेगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 कप चीज़ भी। अब ये देखें इतनी इसकी थिकनेस हो गई है तो ये रेडी है, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो थोड़ा सा और भी थिक हो जाएगा। तो अब हम रख देते हैं इसको साइड पे। अब हमने चिकन को कुक करना है, लेकिन यहीं पर भी हम अपना जो ओवन है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लेंगे। चिकन को मैंने कुक किया है, इसके अंदर 200 ग्राम चिकन के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला और 2 टेबलस्पून दही डाल के इसको मैंने कुक कर लिया था, और साथ ही मैंने इसके अंदर डाला था 1 टेबलस्पून ऑयल भी। जब चिकन कुक हो गया है तो मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल दी हैं, जिसमें मेरे पास है यहाँ पे जूलियन में कटी हुई गाजर है, शिमला मिर्च है और बॉयल हुए हुए पीस हैं। इनको मैं डाल के इसी के अंदर चिकन के अंदर ही थोड़ा सा स्टर कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने डाल दी है बॉयल हुई हुई कॉर्न भी इसी के अंदर। साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम इसकी करने लगे हैं असेंबलिंग। मैंने मैक्रोनी ऑलरेडी बॉईल कर ली थी, जैसे कि उसके पैकेट पे लिखा था, उसी मेथड को फॉलो करते हुए यहाँ पे सबसे पहले वाइट सॉस डाली है, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी केचप की लेयर, फिर बॉयल्ड मैक्रोनी की लेयर और ये कुक हुई हुई चिकन और वेजिटेबल्स की लेयर इसके अंदर डाल के। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डालूँगी और इसके ऊपर दोबारा से वाइट सॉस की एक लेयर हम देंगे। ये थोड़ा सा केचप डालेंगे इसके ऊपर और थोड़ा सा हम चीज़ डालेंगे, फिर दोबारा से मैक्रोनी की लेयर, और इसी तरह से हम इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए इसकी लेयरिंग कर देंगे। ओवन हमारा प्री हीट हो रहा था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हम इसको बेक करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट्स के लिए। सबसे ऊपर वाली लेयर होगी यहाँ पर श्रेडेड चीज़ की। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और आप इसको अच्छी लगी है तो इसको थम्स अप दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली के साथ।